लुल्लू मॉल में आया था और यह है बम्बई किचन 2 फ्लोर पे, जो लुल्लू मॉल दमाम कॉर्नेक्स पे है ना उधर। तो मैंने मसाला डोसा ऑर्डर किया है इधर 16 रियाल का, और अभी वो बोल रहे 5 मिनट लगेगा। उन्होंने टोकन दिया है, बोलते 5 मिनट लगेगा। तो मसाला डोसा आता है तो देखते हैं कैसा है, टेस्ट करके बताते हैं आपको। रॉयल और यह है मुंबई किचन। तो मसाला डोसा, पाड़ा पाव, पाव भाजी, ये सब का आनंद आप उठा सकते हो इधर दम्माम में। ये आ गया भाई साहब, हमारा मसाला डोसा रेडी है, और इसके साथ में उन्होंने दिया है ग्रीन चटनी, और ये कोकोनट चटनी, और ये रेड चटनी, और ये सांभर। सांभर तो ये साउथ इंडियन फूड के साथ में एक ये कोकोनट चटनी और एक ये, और ये मसाला डोसा देखो माशाल्लाह कितना बड़ा है, यानी 2 आदमी एकदम आराम से खा सकते हैं। तो अभी खा के देखते हैं कैसा बनाया, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और इसका इन्होंने लिया है 16 रियाल, ठीक है 16 रियाल लिया है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी छुट्टी गया था तब इंडिया में मैंने चेक किया था मसाला डोसा उधर ही हमारे राजस्थान में, तो उन्होंने मुझे मतलब कितने का दिया था, शायद 320 रुपये का दिया था, इंडियन प्राइस 320 रुपये का। तो ये 16 रियाल का मतलब यही 300 रुपये पड़ा है, तो ज़्यादा नहीं है। तो अभी चेक करके बताते हैं कैसा है। एकदम क्रिस्पी है, और अंदर में स्टीम भी अच्छा भर रखा है मसाले का। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी चेक करते हैं भाई साहब, भूख लग रखा है, तो अभी चेक करके बताते हैं आपको कैसे खाया जाता है, मुझे ये भी नहीं मालूम मसाला डोसा। तो अभी ये देखो आलू का स्टीम, और इसके साथ में ये रेड चटनी थोड़ा, और ये कोकोनट चटनी। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, इंडियन टेस्ट है, अच्छा है। अभी आओ, केले के पत्ते पे दिया है, नीचे केले का पत्ता है, और मुझे सबसे ज़्यादा चटनी ये रेड वाली लगी, रेड वाली चटनी अच्छी है, और साथ में सांभर भी सही है। तो चलिए मैं इसको फिनिश करता हूँ। रेस्टोरेंट है, और ये रेस्टोरेंट का पिक्चर है ऊपर,